देखा करिश्मा काजल का? मार डाल, मार डालूंगी और मैं मर जावा। ओ सुनो जी, मैंने कहा मार डालूंगी। दिव्या भारती बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही बड़ा नाम कमा लिया था। पच्चीस फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती अगर जिंदा होती तो किस मुकाम पर होती। 1990 में आई तेलुगु फिल्म बॉबली राजा से डेब्यू करने वाली दिव्या भारती ने ...1992 में विश्वात्मा से बॉलीवुड में करियर शुरू किया था। करियर की शुरुआत में ही दिव्या भारती ने फिल्म मेकर साजिद नडियाडवाला से निकाह भी कर लिया था। हालांकि इसके 11 महीने बाद ही यानी 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की 5वीं मंजिल बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। 1990 में जब गोविंदा और दिव्या भारती फिल्म सिटी में शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तभी साजिद नडियाडवाला अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए थे। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया था। फिर देखते ही देखते रोज़ाना साजिद नडियाडवाला सेट पर आने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ा। एक इंटरव्यू में साजिद नडियाडवाला बताते हैं कि 15 जनवरी 1992 को दिव्या भारती ने शादी करने की डिमांड की। वो अपना नाम दूसरे को स्टार से
लिंक के जाने की वजह से बेहद परेशान थी। इन सभी अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो ही जल्द से शादी करना चाहती थी। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या भारती और साजिद नडियारवाला की शादी हुई थी। साजिद के वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में काजी ने इनका निकाह पढ़ा था। दिव्या भारती ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था। साजिद नडियारवाला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने शादी की बात छिपाए रखी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर लग गया था। ये बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। इससे उलट मुझे लगता था कि हमें ये बात जग जाहिर करनी थी। जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई थी उसी दिन उन्होंने अपने लिए एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। मुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा। वो चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी और उन्हें अगले शूट के लिए हैदराबाद रवाना होना था। हालांकि नए अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने हैदराबाद वाले शूट को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या भारती के पैर में चोट लगी थी जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। शूटिंग कैंसिल करने के बाद दिव्या भारती के पास डिज़ाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फ़ोन आया और उन्होंने नीता लुल्ला के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम को फाइनल करने के लिए नीता लुल्ला को बुलाया। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। नीता लुल्ला के साथ उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला भी दिव्या भारती के वर्सोवा वाले फ्लैट पर पहुंचे थे। नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड करीब 10 बजे दिव्या भारती के फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में ही बातें कर रहे थे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। और शराब पीते रहे। इस दौरान दिव्या भारती की मैड यानी अमृता भी वहां मौजूद थी। बातचीत के बीच में अमृता किचन में चली गई और दिव्या भारती खिड़की की तरफ मुड़ गई। इस दौरान नीता लुल्ला अपने पति के साथ लिविंग रूम में ही एक वीडियो देख रही थी। बिल्डिंग में दूसरी खिड़कियों की तरह इस खिड़की में कोई ग्रिल नहीं लगी थी। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। दिल चीर के देख तेरा ही। खिड़की के नीचे पार्किंग एरिया था लेकिन उस दिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ देर के लिए दिव्या भारती उस खुली खिड़की पर ही बैठ गई लेकिन जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ी उनका बैलेंस बिगड़ गया। खिड़की का फ्रेम पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गई और सीधे 5वें मंजिल से नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। बिल्डिंग से गिरने के बाद दिव्या भारती खून में लथपथ पड़ी थी लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी हालत तेज़ी से बिगड़ी और आखिर उन्होंने कपूर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आखिरी सांसें ली। दिव्या भारती कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। वो तो बस स्कूल की झिकझिक से बचने के लिए एक्टिंग की दुनिया में आई थी। फिल्म जगत में इनकी एंट्री क्या हुई उन्होंने तो धमाल ही मचा दिया था। तुझे भी प्यार है, तुझे भी प्यार। महज 2 साल के अपने करियर में उन्होंने 12 फिल्में कर डाली। उस दौर की हर हीरोइन को उन्होंने लगभग साइड लाइन कर दिया था लेकिन ये सितारा जितनी तेज़ी से चमका उतनी ही तेज़ी से अस्त भी हो गया। दिव्या भारती को चॉकलेट्स काफ़ी पसंद थी। यही वजह है कि दिव्या भारती की माँ जब तक जीवित रही तब तक उनके बर्थडे पर हमेशा चॉकलेट बनाती थी। तेरी किसी अदा पे सनम मुझको तो प्यारा। और स्कूली बच्चों में बांटती रही। वो इस तरह अपनी बेटी को याद करती थी। वो कहती थी कि दिव्या बेहद चुलबुली थी। वो अपने छोटे भाई कुणाल को
सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। दिव्या कहती थी कि जो कुछ भी मेरा है वो भाई कुणाल के लिए है। उस दौर के 1990s के पॉपुलर कल्चर को फॉलो करने वाले उनकी धमक फिल्मों में उनके इंपैक्ट को अच्छी तरह समझते हैं। जबरदस्त पोटेंशियल जो 1993 की उस रात एक झटके में ख़त्म हो गया। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्म हुआ। पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। जब 9th स्टैंडर्ड में थी दिव्या, तभी एक फिल्म का ऑफ़र आया और पढ़ाई छोड़ने का बहाना मिल गया। लेकिन करियर के शुरू होने से पहले ही गोविंदा का राधा का संगम, आमिर खान की आतंक ही आतंक और सुभाष घई की सौदागर जैसी बड़ी फिल्मों से दिव्या को निकाल दिया गया। फिर 1989 में उन्हें तेलुगु फिल्म बॉबीले राजा के लिए उन्होंने बतौर हीरोइन साइन किया गया। दिव्या की उम्र उस समय 16 साल थी। फिल्म बड़ी हिट रही, तो इस तेलुगु फिल्म की बड़ी कामयाबी ने दिव्या के लिए बॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए। 1992 दिव्या के करियर का सबसे बड़ा और धमाकेदार साल रहा। इस साल दिव्या की एक दो फिल्में नहीं बल्कि 10 फिल्में रिलीज हुईं। दिव्या आई और बॉलीवुड के आसमान पर छा गई। 1992 की शुरुआत में तो लगातार 3 हफ्ते दिव्या की 3 फिल्में रिलीज हुईं। पहली फिल्म थी विश्वात्मा, दूसरी दिल का क्या कसूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, और तीसरी थी डेविड धवन डायरेक्टेड गोविंदा के साथ शोला और शबनम जो बड़ी हिट थी। तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही एक यंग प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला फिल्म के हीरो गोविंदा से मिलने आए। उनकी मुलाकात दिव्या से भी हुई, प्यार हो गया और फिर 1992 में ही साजिद नडियाडवाला और दिव्या ने निकाह कर लिया। ये निकाह इसी तुलसी अपार्टमेंट में हुआ जो उस वक्त साजिद का घर हुआ करता था। तो स्टारडम के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी खुशियां दिव्या को गले लगाने को बेताब थी। दिव्या ने 20 तेलुगु और हिंदी फिल्मों में साइन कर ली थी। दिन रात शूटिंग करती थी और चाहती थी कि अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर खरीदे। और आपको तो मालूम ही होगा कि शाहरुख खान की पहली ही हीरोइन थी दिव्या भारती। भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद। दीवाना और उसके बाद दिल आशना है, दो फिल्मों में शाहरुख और दिव्या ने साथ में काम किया और दोनों ही फिल्मों में कहानी के सेंटर में दिव्या भारती थी और उनका रोल भी दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान से ज्यादा अहम था। दिल आशना है, जिगर आशना है, तुमसे। खैर, करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और कहा जाने लगा था कि दिव्या बहुत जल्द ही बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन जाएंगी। 5 अप्रैल 1993 की वो रात, यानी हादसे की रात, और आपको मालूम है उस रात दिव्या भारती को मुंबई में होना भी नहीं था। उन्हें तो आउटडोर शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। वो 4 अप्रैल को एक दूसरी आउटडोर शूटिंग से चेन्नई से वापस मुंबई लौटी थी और उसी दिन वो अपना घर देखने, नए नए फ्लैट्स देख रही थी। वो नेपच्यून अपार्टमेंट्स में उन्होंने एक बड़ा सा घर अपने माता पिता के लिए फाइनल किया। आप जो मेरे लिए रहोगे, होठों पे मेरे लिए। और बेहद खुश थी। उन्हें उसी रात एक दूसरी आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना था, लेकिन उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा कि मैंने घर खरीदा है और ये खुशी मैं अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ बांटना चाहती हूँ, इसीलिए वो आउटडोर शूटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी। जिस 5 तारीख को उन्हें मुंबई में रहना ही नहीं था, वो रुक गई।
खैर 4 अप्रैल की शाम को एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल करके वो वापस तुलसी अपार्टमेंट वाले घर पहुंची तो उन्हें अपने पति साजिद कहीं बाहर जाते हुए मिले। फिर दिव्या ऊपर अपने फ्लैट में चली गई। दिव्या तुलसी अपार्टमेंट वाले अपने इस फ्लैट पर पहुंची तो वहां डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति साइकेट्रिक डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ मौजूद थी। घर में इनके अलावा दिव्या की बेहद करीबी हाउसमेट अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। तीनों साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे, बातचीत चल रही थी। फिर हल्के नशे में दिव्या धीरे धीरे चलती हुई अपने लिविंग रूम की उस बड़ी सी खिड़की की तरफ बढ़ी। उनके माँ बाप का कहना था कि वो अक्सर उस खिड़की के पास जाकर बैठती थी, मानो खुली हवा में सांस लेने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान वो लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए खाना तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक नीता और श्याम लुल्ला उस वक्त टीवी पर कुछ देख रहे थे। उनका ध्यान दिव्या की तरफ नहीं था। खिड़की पर बैठी दिव्या ने उनसे बातचीत करते हुए ही लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा। उन्होंने अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन इसी पल अचानक उनका हाथ स्लिप हो गया। दिव्या तेजी के साथ नीचे गिरी, जोर की आवाज हुई। सब लोग बुरी तरह घबरा गए। नीता, श्याम लुल्ला, अमृता जल्दी से भागकर नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्या नीचे तड़प रही थी, खून से लथपथ। ये सब चंद पलों में हो गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया था। साजिशों की बात हो रही थी, अलग अलग थियोरीज आ रही थी। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज, किसने मारा, दिव्या का मर्डर है या एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें चल रही थी। दिव्या के शव का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उन्हें उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। साजिद और उनके माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। और फिर दिव्या का अंतिम संस्कार, उनको जो आखिरी विदाई दी गई उसमें उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। मीडिया में लगातार कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आती रहीं, साजिद के ऊपर सवाल उठते रहे, अंडरवर्ल्ड की बातें होती रहीं, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्द ही साजिद को क्लीन शीट दे दी। बताया गया कि वो तो उस वक्त यानी हादसे के वक्त घर में मौजूद ही नहीं थे। एक बहुत अजीब सी बात भी पता चली कि उस वक्त की वो जो दिव्या की बहुत करीबी हाउस हेल्प थी, जो बचपन से ही उनके साथ रही थी अमृता, और जो हादसे के वक्त भी वहाँ मौजूद थी, दिव्या की मौत के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। पुलिस को भी इंतज़ार था कि कब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो तो हादसे की उस रात की कुछ और तस्वीरें ज़्यादा साफ हो। लेकिन अफसोस था और बड़े हैरत की बात भी थी कि एक महीने बाद अमृता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और आखिरकार दिव्या की मौत के 5 साल बाद 1998 में इस केस की फाइल बंद कर दी गई। कुछ सवाल अधूरे रह गए। 2018 में दिव्या भारती की माँ मीता भारती भी नहीं रही, लेकिन जब भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के 1990s वाले दौर का जिक्र किया जाएगा, दिव्या भारती का चैप्टर बेहद अहम चैप्टर रहेगा। वो जिंदा रहती तो न जाने और क्या क्या कर सकती थी। लेकिन वो चैप्टर जो बेहद अदरकली उस हादसे की वजह से ख़त्म हो। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।